हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मक्की आटे का स्नैक्स। ये बनाना बहुत आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी। और फ्रेंड्स, मेरी रेसिपी अगर ज़रा सा भी पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए शुरू करते हैं ये रेसिपी बनाना। मक्की के आटा का स्नैक्स बनाने के लिए देखिए, मैंने यहाँ पर मक्की का आटा लिया है, आधा कटोरी है ये, आप देख सकते हैं। अब हम डालेंगे बेसन, बेसन सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। अब हम डाल देंगे इसमें सूजी, सूजी बहुत क्रिस्पी बनाएगा इस स्नैक्स को। अब हम डालेंगे 2 चम्मच मैदा। अब हम डाल देंगे इसमें 2 चम्मच तिल, तिल से बहुत अच्छा शो करता है ये स्नैक्स। अब हम डालेंगे क्रश करके अजवाइन और मंगरेल है साथ में, और इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब देख सकते हैं। अब हम डाल देंगे इसमें नमक स्वाद अनुसार, और यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच चाट मसाला। चाट मसाला से बहुत अच्छा टेस्ट आता है स्नैक्स के अंदर। अब हम डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, एकदम गरम गरम रिफाइंड ऑयल डालने से बहुत क्रिस्पी बनता है स्नैक्स। और गरम है तो हम चम्मच से मिला लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ठंडा हो गया है, अब हम हाथ से मिला लेंगे, हाथ से अच्छा मेन होता है। और यहाँ पर देखिए पेड़ा बन रहा है, इसका मतलब ये मेन अच्छा से हो गया है। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए डो बनाएंगे, एकदम से पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे यहाँ पर, एकदम से गीला हो जाता है, नहीं तो अगर एकदम से पानी डालेंगे तो पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ पर देखिए डो बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। ये डो ना तो सॉफ्ट है ना ही टाइट, पूरी वाला जैसे पूरी के लिए आटा हम गूंथते हैं उसी तरीके से हम डो तैयार किए हैं। और चलिए हम रेस्ट पे रख दें। यहाँ पर देखिए आटे को सेट होते हुए 15 मिनट हो गया है, अब आटा भी बहुत अच्छा से सेट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, चकले के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और 2 टुकड़ों में हम डिवाइड कर लेते हैं आटे को। और जिस तरीके से हम रोटी के लिए लोई निकालते हैं उसी तरीके से लोई गोल करके हम बेल लेंगे, और ना ही पतला बेलेंगे और ना ही मोटा। और यहाँ पर देखिए मैंने बेल के रेडी कर लिया है, अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पर मैंने गिलास लिया है कट करने के लिए। इस तरीके से कट करने से एक शेप में कट होता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है ये स्नैक्स। और यहाँ पर देखिए मैंने कट कर लिया है, और बाकी का भी जो बचा है मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी। और देखिए मैंने यहाँ पर सारे कट करके रेडी कर लिया है स्नैक्स। अब हम फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने गैस पे रख दिया है कढ़ाई, और गैस ऑन कर दिया है, पहले से ही ऑयल डाल दिया था, ऑयल गर्म हो गया है बहुत अच्छा से। और यहाँ पर हम फ्राई करेंगे, गैस को लो फ्लेम पे ही करके फ्राई करेंगे ताकि क्रिस्पी बने। और जितना स्पेस हो कढ़ाई के अंदर उतना हम डाल देंगे स्नैक्स को, और इसे ऐसे ही पकने देते हैं। और एक तरफ हो गया है, हम पलट लेते हैं और लो फ्लेम से हम मीडियम फ्लेम पे कर देंगे गैस को इस वक्त में। और यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना बढ़िया दिख रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पर फ्राई हो गया है, हम निकाल लेते हैं, और जो बचा है बाकी का उसे भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। और देखिए इसका टेक्सचर फ्रेंड्स कितना बढ़िया दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने सारे स्नैक्स फ्राई कर लिया है, और देखने में कितना बढ़िया लग रहा है। और जितना देखने में बढ़िया लग रहा है उतना ही खाने में ये टेस्टी है, और बनाने में उतना ही आसान है, ये झटपट बनने वाला ये स्नैक्स है। और इस चलिए हम चाय के साथ गर्मा गर्म इन्जॉय करते हैं। और फ्रेंड्स एक तोड़ के भी दिखा देती हूँ आपको, देखिए कितना क्रिस्पी है, ये गर्म है और थोड़ा सा ठंडा होगा तो बहुत और क्रिस्पी हो जाएगा ये। और फ्रेंड्स ये रेसिपी आपको कैसी लगी, ज़रा सा भी अच्छी लगी